Here is my all new rider riding jacket. <laughs> हेलो एवरीवन वन सेकंड वेलकम बैक टू दी चैनल तो कैसे हो सब लोग उससे बड़े ही होंगे तो फिलहाल ये देख रहे हो अपना राइडिंग जैकेट जो है आ चुका है मतलब इस प्राइस में ऐसा कोई राइडिंग जैकेट आपको कोई ऑफर नहीं करेगा कोई कंपनी जो अपना कंपनी है वह राइडा है तो रइडा का अपना इंडियन मेड कंपनी है तो बहुत बढ़िया जो है इस प्राइस पॉइंट में अपना जो ये वाला जैकेट है बहुत खोज के जो ये वाला राइडिंग जैकेट मेरे को पसंद आया तो ये मैंने ख़रीदा है तो बताएंगे क्या कुछ इसका फीचर वगैरह है तो कौन सा प्रोटेक्टर इसमें आता है क्या कुछ है तो वारंटी वगैरह कैसा है तो सब कुछ बताएंगे और कैसा मटेरियल वगैरह है तो सब कुछ बताएंगे तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं राइडिंग कम्युनिटी में आया है तो सो सेफ्टी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन एनी तो सेफ्टी आपको प्रॉपर देखना है तो इसीलिए अपना जो राइडिंग जैकेट वो आ चुका है धीरे धीरे करके सारा बूट्स और राइडिंग पैंट वगैरह सब कुछ खरीदेंगे तो फिलहाल अपना राइडिंग जैकेट ये रहा तो सब कुछ बताते हैं क्या इसका जो फीचर्स वगैरह है क्या क्या तो चलो तो ये रहा इसका जो कुछ डिसअपॉइंटिंग जो मेरे को लगा तो इसका जो पैकिंग जिस पैक में आया तो वो अच्छे से नहीं आया ये तो ये कंपनी को अच्छे से देखना चाहिए अच्छे से बॉक्स में डालकर देना चाहिए तो वैसे ही ये पन्नी में आया था नॉर्मल पन्नी में अमेजोन से ऑर्डर किया है बाई द वे ये मैंने सो फर्स्ट इम्प्रेशन इसमें क्या है जब भी भी मैं इस जैकेट को वैसे उठा पहनता हूँ तो एक वेटेड फील लगता है लगता है कि नहीं कुछ अच्छा चीज़ है तो काफ़ी वेट है इस जैकेट में ये सारे प्रोटेक्टर वगैरह सब कुछ दिखाते हैं तो ये रहा इसका जो है जो इसका जो सारे जो इसका आर्मर वगैरह है वो है सिप्टेक कंपनी का सारे आर्मर इसमें लेवल टू का है तो वो एक सबसे बढ़िया चीज़ है कभी भी जो है लेवल वन वगैरह लेवल वन वाला जो जैकेट वगैरह आता है वो मत खरीदना लेवल टू ही हम हमेशा प्रेफर करना कंपनी का ब्रांडिंग जो है ये रहा राइडर और ये मैंने साइज़ जो मंगवाया है वो है अपना एक्सल तो ये जैकेट मेरे को एकदम परफेक्ट फिटिंग आया सारे जो ए, जो अपना शोल्डर में जो गार्ड है एल्बो में अपना बैक में सारे एकदम परफेक्टली फिट है तो ये भी आप एकदम चेक करके ही जो है साइज इसका मंगवाना क्योंकि अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मतलब जैसे ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा छोटा हो गया तो आर्मर आपका सही पोजीशन वगैरह में नहीं जाएगा कोई आर्मर ज़्यादा उठा हुआ रहेगा तो कोई ज़्यादा नीचे तो ये आपको प्रॉपर चेक करना है तो अपना ये कार्ड वगैरह जो है हटा लेते हैं इसकी और ज़रूरत नहीं है हमें इसको काटना पड़ेगा लगता है तो अभी अगर बात करें इसकी फैब्रिक की तो ये है अपना सिक्स हंड्रेड डेरियर कैडूरा मतलब ये काफ़ी मोटा अपना जो है कपड़ा है तो वैसे भी अगर गिर जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा और सारा ये सामने जो देख रहे हो सारा मेस है तो ये मेस मतलब ये अपना ब्रीथेबल जो है मटेरियल होता है अंदर से एयर वगैरह पास होता रहता है तो वहाँ पर आपको रईडा का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और कलर जो है मैंने न्योन चूज़ करा है इसका जो सारे जिपर वगैरह है तो वो है वाई का तो काफ़ी अच्छा ज़िपर है ये काफ़ी स्मूथ है और इसका जो हाथों तो में बात करें तो यहाँ पर भी आपको दे रखा है ज़िपर देख पा रहे हो आप तो कोई कंपनी इस प्राइस में आपको ये सब यहाँ पर एडजस्टेबल जो है वो नहीं देता है तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हो और ये अपना एल्बो में भी आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसा कुछ है अपना ये रहा नियन कलर तो काफ़ी प्यारा लग रहा है जैकेट मेरे को तो आप भी बताओ कैसा लग रहा है वैसे इस जैकेट में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ जो है मेरे को बढ़िया लग रहा है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो जो अपना बाजू जिसमें एडजस्ट होता है उसके अंदर यहाँ पर राइडा का ब्रांडिंग हो रखा है काफ़ी बढ़िया है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी इस जैकेट में काफ़ी इसको प्रीमियम बनाता है मतलब देखने में वैसे तो अपना एकदम बजट फ्रेंडली है और सारे जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स है तो ये रहा इसका थ्री एम का स्कॉच लाइट बोलते हैं इसको तो ये रहा ये रहा, रहा यहाँ पर है और इस शोल्डर में भी है और बैक में एक बड़ा सा है जब बैक में दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा तो वो कुछ अच्छा ग्लो करता है जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है अभी बहुत अच्छा ग्लू का है और मेन अपना यहाँ पर इस साइज जो अपना ये अपना राइट हैंड है इसमें भी आपको मिलता है राइटा का ये स्कॉच मतलब ये रिफ्लेक्टर सारा है तो ऐसा कुछ है अपना बहुत बढ़िया है तो अभी इसका आर्मर वगैरह दिखाते हैं तो पॉकेट की बात करें तो सामने आपको दो पॉकेट मिलता है यहाँ पे ये मेरे को लग रहा है ये इस, अपना जो है वाटर प्रूफ है क्योंकि इसका जो मटेरियल है वाटर प्रूफ वाला है सामने आपको दोनों तरफ का जो है अपना जो है पॉकेट मिलेगा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है दोनों जिपर के साथ है ये बहुत बढ़िया है अगर आप फोन वगैरह भी रखोगे तो कुछ नहीं कहीं पर भी नहीं गिरेगा तो एकदम बड़े है और अंदर खोलते हैं अभी तो ये है अपना अंदर का कुछ मटेरियल तो यहाँ पर एक पॉकेट दे रखा है और यहाँ पर एक वेल क्रोक के साथ पॉकेट दे रखा है तो एकदम बढ़िया है इस जैकेट में आपको हर तरफ आर्मर मिलता है ये अपना बैक वाला आर्मर है जैसे देखने को मिल रहा है आपको सारे आर्मर इसका जैसे बोला सिपटेक इटालियन लेवल टू का आर्मर है काफ़ी बड़ा है और एकदम स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और चेस्ट में भी जो है वो फोम पैडिंग है तो आप इसमें अपग्रेड भी कर सकते हो ऐसे यहाँ पर खोल के इसको चेंज करके अपना नॉर्मल जो है लेवल टू का आर्मर भी लगवा सकते हो हैंड में बात करें तो यहाँ पर एक यहाँ पर है अपना एक गार्ड और यहाँ पर भी एक गार्ड है तो सारे जो है लेवल टू का ही है जैसा बोला तो साइज अपना एक सेल ही है जैसा देखने को मिल रहा है आपको तो बहुत बढ़िया मेरे को जैकेट लगा तो देख के ही खरीदा है मैंने तो आप ख़रीद सकते हो तो पीछे क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं तो ऐसा कुछ है अपना पीछे यहाँ पर भी मेस है जैसा देख पा रहे हो आप अंदर से इंटेक होगा यहाँ से बाहर निकलेगा काफ़ी बढ़िया इसका मटेरियल है जैसा बोला और ये रहा अपना राइडा का ब्रांडिंग काफ़ी बड़ा दे रखा है यहाँ पे तो सोल्ड जो चेस्ट आर्मर है वो यहाँ तक आता है काफ़ी बड़ा दे रखा है तो सही है स्टार्टिंग के प्राइस में ये सबसे बढ़िया मेरे को लगा और भी देख रहा था जैसा पता है आपको और जो कंपनियाँ वगैरह बनाती है तो बेस्ट है और इसका फोटोज वगैरह देखने के लिए आप इंस्टाग्राम में जा सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल जो है डिस्प्ले हो रहा है वरना अपना डिस्क्रिप्शन में है तो आप जा जाकर देख सकते हो मेरे में कैसा फीड वगैरह आया ये मेरे में एकदम प्रॉपर फीड आया जो सारे आर्मर वगैरह जो है एकदम परफेक्ट पोजिशन में है जहाँ पर उसको होना चाहिए तो एकदम बढ़िया है पीछे से स्टाइलिंग कुछ ऐसी है सो ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ दे रखा है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेक इन इंडिया और अपना सी ई सर्टिफाइड लिखा हुआ एक बाइक वाला जो है राइडर वाला एक लो को भी दे रखा है और ये अपना जो है वेस्ट एडजस्ट करने के लिए दोनों तरफ का होता है ये और सामने बात करें तो ये चीज़ देख पा रहे हो ये जो है अपना राइडिंग पैंट उसको कनेक्ट करने के लिए है एक सिंगल सूट बनाने के लिए तो क्या है कि सिंगल सूट मतलब जब अपन जो है मेरा जो बाइक है आर वन फाइव वी थ्री वो झुक कर चलाना पड़ता है तो क्या है उससे अपना जो है जो अपना जैकेट वगैरह है वो पीछे से उठ जाता है बहुत तो ये अगर अपना राइडिंग पैंट के साथ कनेक्ट रहेगा तो एकदम परफेक्टली से मेंटेन करेगा तो काफ़ी बढ़िया है तो ये भी एक अच्छा फीचर मेरे को लगा और यहाँ पर इस जो अपना गले के पास इसको आप कर सकते हो तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ऑल एंड ऑल मेरे को बढ़िया लगा तो अब लोग भी बताओ कैसा है ऐसा कुछ लुक है इसका तो वो तो आपने सिनेमेटिक्स में देखा ही होगा कितने कैसा अच्छा लगता है ये तो काफ़ी बढ़िया है इसका लिंक मैं दे दूंगा अमेजोन का ऐसा ही कुछ था अपना जो राइडिंग गियर है तो मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप राइडिंग गियर जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो ठीक है मगर एक अच्छा हेलमेट और ग्लव्स ज़रूर ख़रीदना वो पहन के ही हमेशा बाइक वगैरह चलाना तो हेलमेट तो पहनना ही पहनना है और हो सके तो एक ग्लव्स भी जो है वो ख़रीद लेना वो काफ़ी बढ़िया रहता है तो ऐसा कुछ है हमेशा अपना जितने का अपना बाइक है उसका टेन परसेंट जो है आपको सेफ्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जैसा मेरे को लगता है बस यही था अपना कुछ राइडिंग जैकेट का वीडियो बहुत बढ़िया मेरे को ये जैकेट लगा आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो कैसा है ये अपना जैकेट जैकेट का जो एक्चुअल प्राइस है वो फाइव थाउजेंड है तो एकदम बढ़िया प्राइस है इस प्राइस में आपको काफ़ी बढ़िया आपको ये जैकेट देखने को मिल रहा है तो एकदम बढ़िया है मैंने भी ये स्टार्टिंग के लिए एकदम स्टार्टिंग मतलब वैसे भी बहुत अच्छा है ये तो खरीद लिया है अपना हमेशा राइडिंग जैकेट पहन के जो है अपना राइड वगैरह करेंगे बस यही था कुछ अपना छोटा सा वीडियो राइडिंग जैकेट के बारे में तो वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमेशा हेलमेट पहन के ही राइड करना ठीक है